इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi Note 14 Pro Plus डिवाइस के बारे में, जो कि Redmi की तरफ से आने वाला एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है। Redmi Note लाइनअप के स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज है एंड सभी स्मार्टफोन यूजर स्पेशली वेट करते हैं Redmi Note लाइनअप के स्मार्टफोन को लेकर कि बजट प्राइस के अंदर बेस्ट से बेस्ट फीचर्स ऑफर करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। तो इस बार जो Redmi Note 14 Pro Plus आएगा, इसका लेके कुछ न्यूज निकल के सामने आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन भी एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इसी स्मार्टफोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हूँ। दी गई इन्फॉर्मेशन कौन सा पेडिशन के ऊपर बेस होगा, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। सबसे पहले बता दूँ, जो Redmi Note 14 Pro स्मार्टफोन होगा, ये स्मार्टफोन का बिल्कुल डिज़ाइन अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है एंड कुछ लेटेस्ट इनोवेशन करने वाला है डिज़ाइन के ऊपर। ऑब्वियसली स्मार्टफोन IP सर्टिफाइड होगा एंड बैक पैनल आपको बीच में स्क्वायर कट के अंदर तीन कैमरा सेंसर प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत ही खास कैमरा प्रोवाइड करेगा। बताऊँगा बाद में। पहले बात करते हैं स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। साइड में मेटल फ्रेम मिलेगा, यहाँ पे ग्लोसी ग्लास बैक मिलेगा एंड साथ ही साथ स्मार्टफोन वन हैंड फिजिंग के लिए भी ये स्मार्टफोन काफ़ी लाइट वेट एंड स्लिम स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अलावा देख पाएंगे स्मार्टफोन के अंदर 6.78 इंच का एक 2K का डिस्प्ले, जो कार्ब OLED पैनल डिस्प्ले होगा। कार्ब ग्लास यूज़ करने के लिए इस स्मार्टफोन का यूज़ करने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड दिखने में भी बहुत ही प्रीमियम फील देने वाला है। डिस्प्ले सपोर्ट करता है 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट को एंड HDR10+10 बिट कलर सेंसर को, जिससे टच भी बहुत इन्हांस होता है एंड कंटेंट वॉचिंग के लिए डुअल विजन के साथ बेटर से बेटर एक्सपीरियंस ले पाएंगे कंटेंट वॉचिंग के टाइम। एंड साथ ही साथ डिस्प्ले का मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सिक्योरिटी के लिए एंड सेंटर पंचल कटआउट, जिसमें 50 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे 4K वीडियो शूट कर सकते हो। बैक कैमरा देख पाएंगे तीन कैमरा सेंसर, मेन कैमरा सेंसर जो होगा 200 मेगापिक्सल का लार्जेस्ट सेंसर, जो सोनी का ही सेंसर यूज़ करने वाला है, जिसमें लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वालिटी का इमेज वीडियो का शूट करने के लिए AI इमेज यहाँ पे फीचर्स पाए जाएगा कैमरा सेंसर के ऊपर एंड सेंसर से आप स्टेबल तरीके से 4K इवन 6K का वीडियो शूट कर सकते हो। एंड स्मार्टफोन का जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो अल्ट्रा वाइड एंगल एंड एक पेरिस्कोप लेंस मिलेगा, जिसमें 100x तक आप जूम कर सकते हो, कि जूम लेंस मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। तो ओवरऑल कहूँगा इस स्मार्टफोन एक कैमरा सेंट्रिक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन हो सकता है, और एज ऑलवेज हम लोग को मिलता है Redmi Note लाइनअप का स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन के अंदर देख पाएंगे एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर, ऑब्वियसली यहाँ पे स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन कौन सा प्रोसेसर होगा इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। मैं कहूँगा स्नैपड्रैगन का 8S Gen 2 या फिर 8S Gen 3 कुछ ऐसे ही प्रोसेसर मिल सकता है। परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए इसमें कुछ टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलेगा, गेमिंग के टाइम फोन में हीटिंग इशू नहीं रहेगा एंड UFS 3.1 का स्टोरेज, LPDDR5S का रैम सपोर्ट भी सपोर्ट करेगा स्मार्टफोन। तो बेटर से बेटर गेम प्ले वगैरह करने के लिए, ऐप वगैरह ओपन क्लोज करने के लिए स्मार्टफोन काफ़ी स्मूथ चलने वाला है। Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन आएगा काफ़ी सारे सेंसर के साथ, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ, IR ब्लास्टर के साथ एंड IP सर्टिफाइड भी होगा इस स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को चाहिए चलाने के लिए बिगर बैटरी, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक बिगर बैटरी भी प्रोवाइड करेगा, जो 6000 mAh का बैटरी होगा, जिसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा 120W का लेटेस्ट फास्ट चार्जर। चार्जर भी मिलेगा बॉक्स के अंदर टाइप सी पोर्ट के साथ। तो यही थी कंप्लीट स्पेक्सन फीचर जो लीक्स होकर सामने आ रहा है। डेफिनेटली कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि 2024 के एंड तक या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च हो सकता है एंड काफ़ी सारे स्मार्टफोन को टक्कर देगा ये स्मार्टफोन, प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम रखा जाएगा। तो वीडियो बनाने में बहुत शुक्रिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद।